Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. मैं अब जा रही हूँ बर्फ पे ऊपर की तरफ नीचे तेजी से स्लाइड करने के लिए ये लेके जा रही हूँ. इसको पता नहीं क्या बोलते हैं उर्दू में, इसको इंग्लिश में स्लेड बोलते हैं. और इस पर बैठ के ना ऊपर से नीचे आना होता है. मैं पूरा वो ऊपर जाऊंगी वहाँ से सारा रास्ता नीचे. आवाज सुनना जब पाँव रखती हूँ. बर्फ ऐसे हो ना तो सबसे अच्छा होता है कि इस टाइम स्नोमैन या कुछ बनाना हो ना उस टाइम के लिए. अब मैं ऊपर पहुंचने वाली हूँ और यहाँ से नज़र आ रहा है कि बिजली कहाँ पे बनती है, वो वाली जगह. मेरा एक वीडियो आने वाला है जिसमें मैं सारा दिखाऊंगी ये बिजली वाली जगह. वो दूर नीचे जाऊंगी स्लाइड करके मैं. अब मैं ऊपर पहुंच गई हूँ और मैं स्लाइड के ऊपर बैठ गई हूँ. If it's snowing like the season, it's the winter. It's the winter. Baby, please give me no reason. It's the winter. It's the winter. मैंने अब स्लेड इधर रख दिया और मैं अंदर से जूस लेके आई थी. ये वाला, ये मेरी कार है, ये मैं हूँ. मैंने इसे ब्रेक किया और मैं जूस पी रही हूँ. अब मैं इधर आई हूँ क्योंकि यहाँ ट्रक था, वो बर्फ उठा रहा था, लेकिन आने तक यहाँ से चला गया इसलिए मैं दिखा नहीं सकी. मैं इधर आई हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई बच्चे अपना भूमि के साथ स्नोमैन बना रहे थे और मैंने सोचा मैं दिखा दूँ. उन्होंने दो बनाए हैं, ये दो, एक थोड़ा बड़ा और एक थोड़ा छोटा. ये वाला काफ़ी बड़ा है, मेरे से थोड़ा छोटा. अभी दिन के 3-4 हुए हैं और आसमान उस तरह से गुलाबी गुलाबी लग रहा है. वैसे अंधेरा अंधेरा होता है बर्फ होने की वजह से, इस तरह हो जाता. ये इन्होंने लाइटें लगाई हुई हैं दरख्तों पे अभी तक. ये क्रिसमस की वजह से भी लगाते हैं, लेकिन सिर्फ क्रिसमस की वजह से नहीं लगाते हैं, ये इसलिए भी लगाते हैं कि प्यारा लगता अंधेरा अंधेरा जब होता है ना तो फिर प्यारा लगता. बर्फ भी होती है. मैं बर्फ में बैठ गई हूँ. मैं दिखाने लगी हूँ कि बर्फ से स्नोमैन कैसे बनाते हैं. पहले इस तरह बर्फ लेके ना छोटा सा गेंद बनाते हैं इस तरह. फिर इसको लेके ना और बर्फ के ऊपर रख के इसे घुमाते हैं गोल गोल इस तरह करते हैं. फिर ये चिपक जाती है साथ. फिर इस तरह और करते हैं और जितना इस तरह घुमाओगे उतना बड़ा होता जाएगा बर्फ, साथ लगती जाएगी. फिर इसको साथ साथ ना मजबूत भी करना होता और फिर साइड भी बदलना होता. फिर उस दूसरे साइड से इसको घुमाना होता बर्फ में, फिर से मजबूत करना होता इस तरह और फिर से घुमाना होता फिर साइड बदल के. जितना घुमाओगे उतना बड़ा होता जाएगा और जितना बड़ा रखना उतना घुमा के इस तरह साइड बदल बदल के बीच बीच में मजबूत करके बनाते जाते बंदा. और आवाज़ भी आ रही है कि वो चिपक कर है ना सब बर्फ साथ साथ, उसकी आवाज़ भी आती है. फिर इसको इसलिए मजबूत करना होता है क्योंकि नहीं तो वो टूट सकता है, क्योंकि फिर वो बर्फ उस पर सही नहीं होती, वो थोड़ी ढीली होती है. इसलिए हर वक्त उसको दबा दबा को मजबूत करना होता है कि वो ढीली नहीं रहे ना. इसको चला के ना घुमा घुमा के इतना बन गया इतना बड़ा. और पे लेकिन कोई याद से दबाना क्योंकि मेरा नया वीडियो भी आएगा जहाँ पर मैं पूरा स्नोमैन बनाते हुए दिखाऊंगी कि किस तरह बनाते हैं. क्योंकि मेरा मोबाइल भी मरने वाला है तो मैं इस दफ़ा सारा नहीं दिखा सकती बना के. मैं फिर से ऊपर जा रही हूँ. बाबा कुछ कुछ टाइम बाद कोई ना कोई बंदा आ जाता है तो ये होता है कि पूरा ऊपर पहुँच के भी बंदा नीचे सारा होना ऊपर
या ऊपर से नीचे जा रहा हो, जितने वो पहुंचता है ना ऊपर या नीचे अपनी देर पर लाइन नहीं कर सकते। फिर आ गया कोई बंदा, आपको मेरी वीडियो ये वाली पसंद आई हो और ऐसी वीडियो देखनी है तो जरूर याद से सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर एंड कमेंट भी कर देना। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्या दिल करे देखने को, क्या दिखाऊं मैं, और बेल आइकन को भी दबा देना।